आपका शिशु अगर हंसता है तो पूरा घर हंसता है, क्योंकि बच्चे हंसते हुए ही बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चे जब रोते हैं तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। और एक सवाल हमारे जहन में आता है, हमारे दिमाग में आता है कि मेरा शिशु क्यों रो रहा है, क्या है इसका कारण। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिशु क्यों रोता है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। आपका शिशु अगर रो रहा है तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके होने की वजह से वो रो रहा है, और क्या इसमें आपने उपाय करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका संजीवन पेरेंटिंग के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले अच्छे और नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। शिशु पूरी तरह से आपके ऊपर आश्रित होता है, आपके ऊपर डिपेंड होता है। जी हाँ, माँ के ऊपर वो पूरी तरह से अटैच होता है। आप उसे भोजन, प्यार, दुलार और आराम प्रदान करते हैं। तीनों चारों चीज़ें आपसे ही उसे मिलती है, क्योंकि पूरी तरह से उसकी दुनिया आप है। उसे भोजन भी आपसे मिल रहा है, उसे प्यार चाहिए, उसे लाड़ चाहिए, उसे दुलार चाहिए, वो भी आप ही से मिल रहा है, और आराम की भी अपेक्षा वो आपसे ही करता है। लेकिन जब वो रोता है तो वो क्यों रोता है, इस बात को ज़रा अच्छे से समझिए। जब आपका शिशु रो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बताना चाहता है कि उसे इनमें से किसी एक या फिर सभी चीज़ों की ज़रूरत है, और वो आपकी तरफ इसी अपेक्षा से देख रहा है, इसी अपेक्षा से वो रो रहा है कि जो प्रॉब्लम्स उसको है, जिस चीज़ की उसके पास कमी है, वो उसे आप प्रोवाइड करें। और फिर जैसे जैसे शिशु की एज बढ़ती जाती है, वो आपके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है, आपसे अलग अलग तरह से वो कनेक्ट होने लगता है, आँखों से बात करने लगता है, मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रोना कम होने लगता है। और इसीलिए इस उम्र में, यानी कि जितना छोटा शिशु होगा उतना ज़्यादा वो रोएगा, क्योंकि शोर मचाने के सिवा उसके पास और कोई चारा होता नहीं है। तो अगर आपका शिशु रो रहा है तो इन कारणों को आपने ज़रूर समझना चाहिए। शिशु का रोने का सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है भूख। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है भूख लगना। क्या होता है, शिशु जितना छोटा होता है उतना ही भूख से रोने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। इसका कारण ये होता है कि उनका पेट नन्हा सा होता है, छोटा सा होता है, उनके पेट की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। छोटा सा पेट है, कैपेसिटी कम है, इसलिए क्या होगा, जल्दी से वो पेट खाली हो जाएगा। जनरली हमें ये आदत रहती है, हम दिन में 3-4 बार खाना खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार खाते हैं। बचपन में हमें ऐसा लगता है कि भाई 4-5 बार खाएंगे, लेकिन बेबी जितना छोटा होगा उतना जल्दी उसका पेट खाली होगा, उसको भूख भी उतनी जल्दी लगेगी। इस बात को अच्छे से हमने समझ लेना चाहिए। और अगर आपका शिशु रो रहा है तो सबसे पहले आपने उसे दूध पिलाना चाहिए। अगर शिशु स्तनपान करता है तो सबसे पहले आपने उसे स्तनपान कराना चाहिए। इसे कहते हैं फीडिंग ऑन डिमांड। डिमांड बढ़ गई तो फीडिंग आपने करना चाहिए। अगर आपका शिशु फार्मूला दूध आप उसे दे रहे हो तो भी, बहुत बार हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई फार्मूला दूध देने के बाद 2 घंटे तक आपने रुकना चाहिए, उसके बाद दूध पिलाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, हर शिशु की भूख अलग अलग है, इसीलिए अगर वो रो रहा है तो पहला काम ये कीजिए, उसे दूध पिला के देखिए। शिशु के रोने का दूसरा कारण क्या है, शिशु के रोने का दूसरा कारण है अत्यधिक गर्मी। यदि शिशु को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी उसे महसूस हो रही है, या फिर सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा उसे सर्दी महसूस हो रही है, तो शिशु के रोने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नवजात शिशु अपने शरीर का तापमान आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। हम और आप जिस तरह से टेम्परेचर में अडाप्ट हो जाते हैं, उस तरह से नवजात शिशु खुद को अडाप्ट नहीं कर पाता है, और इसीलिए अत्यधिक गर्मी या फिर ठंडी उसे बर्दाश्त नहीं होती है और वो रोने लगता है। ऐसे केस में आपने क्या करना चाहिए, अगर गर्मी का मौसम है तो उसे आपने ठंडी जगह पे, थोड़ा ठंडे एटमोसफियर में उसे रखना चाहिए। अगर ठंडी का मौसम है तो आपने चद्दर उसके ऊपर डालना चाहिए, लेकिन याद रखिए आपने अलग चादर और अलग कंबल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और पहले एक चादर आप डालिए, देखिए अगर शिशु रोना बंद करता है तो बहुत ही अच्छा, उसे ठंडी बजना कम होती है तो वो रुक जाएगा, रोएगा नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो रो रहा है तो थोड़ा दूसरा कंबल भी आप डाल के देख सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसे डिस्कम्फर्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात आपने याद रखनी चाहिए, जो बहुत से पेरेंट गलती करते हैं, हाथ लगा के या फिर हाथों या पैरों को छूकर उसके तापमान का अंदाज लगा लेते हैं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि शिशु को बुखार है तो सिर्फ हाथ लगा के आप नहीं पहचान सकते, आपने थर्मामीटर यूज़ करना चाहिए, टेम्परेचर कितना है ये भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी एक गलती जो ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं वो है बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के पीछे लगते हैं। सो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े आपने शिशु को नहीं पहनाने चाहिए, वरना उसे गर्मी भी हो सकती है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। सो जितने कपड़े में वो कम्फर्टेबल रह सके कम से कम कपड़े आप उसे पहनाइए। शिशु के रोने का तीसरा मुख्य कारण होता है नैपी, यानी कि लंगोट बदलने की ज़रूरत। अब इसमें दोनों बातें हैं, अगर शिशु ने नैपी में मलत्याग किया है या पेशाब करता है शिशु, या फिर हो सकता है वो तंग उसको लगता है, अगर उसे डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो ऐसे इसमें भी आपका शिशु रोना शुरू कर सकता है। और इसीलिए इस बात को भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। कुछ कुछ शिशु में ऐसा देखा गया है कि उन्हें अपनी नैपी बदलना पसंद नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में भी वो रोते हैं, या फिर नैपी में पेशाब करने की वजह से जब ठंडा लगता है तो वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, अगर आप घर पर हैं और अगर संभव है तो कम से कम नैपी पहनाइए। नैपी ना पहनाए तो भी चलेगा, समर डेज में अगर आप नैपी पहनाना अवॉइड करें तो भी ज़्यादा अच्छा होगा। इस कंडीशन में भी आपके शिशु को थोड़ा अच्छा लगेगा, उसे कम्फर्टेबल लगेगा और वो रोएगा नहीं। शिशु के रोने का चौथा कारण, अगर शिशु को कोलिक है, यानी कि उसे एब्डोमिनल पेन है, उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डाइजेशन उसका डिस्टर्ब है, गैसेस की समस्या है, तो भी आपका शिशु रोएगा। ऐसे कंडीशन में आपने उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शिशु कुछ खाने के बाद रोता है, दूध पीने के बाद रोता है, टॉयलेट के वक्त अगर रोता है, बार बार उसके अगर आप उसके पेट को हाथ लगाते हैं तो उसे डिस्कम्फर्ट लगता है, ऐसे कंडीशन में डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको दिखता है, अगर आपको डाइजेशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम लगता है, तो आपने ऐसे कंडीशन में अपने शिशु को डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। बहुत बार बाकी और कुछ डिसीजेज भी हो सकते हैं, जिसे हम पांचवा कारण कहेंगे। कुछ बीमारियां होती है, कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसे कंडीशंस में भी शिशु रोते हैं। तो उसका रोने का तरीका किस तरह का है, इस बात के ऊपर भी आपने ध्यान देना चाहिए। रोज जैसे रोता है वैसे ही रो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल उसके चेहरे पे आपको एक्सप्रेशंस दिखते हैं उसके रोने में, रेगुलर रोने में और आज के रोने में अगर आपको फ़र्क दिखता है, तो हो सकता है किसी बीमारी की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से वो रो रहा है। ऐसे वक्त बहुत देर ना करते हुए तुरंत अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को, अपने पेडियाट्रिशियन को आपने दिखाना चाहिए, ताकि वो उसका चेकअप करे। याद रखिए, शिशु आपसे कम्युनिकेट सिर्फ रोकर ही कर सकता है, वो बता नहीं पाता है। इस वजह से बहुत बार कॉज आप तक नहीं पहुंच पाता है, कारण आपको समझ में नहीं आता है। ऐसे कंडीशन में आपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, उसके ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, तो आप होम्योपैथी ले सकते हैं, आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। साथ ही आप सीख सकते हैं अपने शिशु को किस तरह से आप सुंदर बनाएं, किस तरह से आप तेजस्वी बनाएं, किस तरह से उसे आप बुद्धिमान बनाएं। इसके लिए आप कर सकते हैं पेरेंटिंग का ऑनलाइन कोर्स, जी हाँ, जिसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी घर बैठे। इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके संजीवन पेरेंटिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। कुछ दिक्कत अगर आपको आती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी पेरेंटिंग, धन्यवाद।